उनकी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ उनकी वफादारी के साथ गहराई से भरी हुई है। ऐ खुदा, उन्होंने तुम्हारे बारे में खुशखबरी सुनाने के लिए सब कुछ किया है। ऐ खुदा, तो वो मर गए, उनकी मौत ज़ालिमाना थी, उन्हें ज़िंदा दफन करके शेरों के सामने फेंक दिया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें, वो सब कुछ तेरे लिए और तेरी मंशा के लिए किया है जो उन्होंने खुद अपने ख़ानदान के लिए कभी पूरा नहीं किया था। ये सब उन्होंने इस उम्मीद के साथ किया कि तुम्हें अपने महबूब को देखेंगे, और यहाँ मैं नए आदम के तौर पर, नए मसीहा के तौर पर आया हूँ। और तू खुदा ने मुझे ये भी बताया कि मैं ना सिर्फ ज़मीन पर मसीहा हूँ बल्कि पूरी अबदी ज़िंदगी के लिए भी हूँ। ऐ खुदा, तूने आखिर में मुझे अपना दिल बनने के लिए बुलाया। अब मैंने पहली बार अपनी हकीकी रूहानी नशोनुमा का एहसास किया। सबसे पहले मैं जान गया कि मेरा रवैया और मेरे ख्यालात कितने माजूर और ख़ुदगर्ज हैं। मैंने सब कुछ सिर्फ अपने लिए मुमकिन बनाया था, बाकी इंसानियत और दीगर तख्लीकात को भूलकर मैंने अपनी आँखों में आंसुओं के साथ खुदा की तरफ मजबूती से देखा और मज़ीद कहा, तो ऐ खुदा, आज मैं तेरे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। जो कुछ तूने मेरे लिए मुमकिन बनाया है उसे वापस ले ले, क्योंकि ये रोशनियाँ लोगों को तेरे साथ तेरे रास्ते में रोकती हैं। वो नूरानी मखलूकात इंसानी अरवा को दरमियानी जहानों से भी गुजरने नहीं देती। ज़्यादातर बनी हुई इंसान का अंजाम जहन्नम में होता है। सिर्फ़ एक आध बार ही एक इंसानी रूह फिरदौस में दाखिल होती है। हर एक का फ़ैसला हो रहा है, लेकिन मैंने कहा, मुझे सिर्फ इस बात की फ़िक्र थी वो मुझसे इंसाफ नहीं करते, ताकि मैं बग़ैर किसी रुकावट के बराह रास्त तेरे पास जा सकूं। हाँ, मैंने उसे मुकम्मल किया है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। मुझसे पहले आने वाले अंबिया में से कोई भी अपनी ज़िंदगी में दिन की रोशनी में तेरी तस्वीर को अपनी आँखों और दिलों में सामने नहीं देख सका। तूने खुदा मुझे अपना दिल मुकरर किया, और देखो मैंने क्या किया है। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए मांगा, लेकिन मैंने इन लोगों के बारे में एक ख्याल भी ज़ाया नहीं किया जिन्होंने तुझे देखे बगैर तुम्हारे लिए अपनी जानें दी। मेरे आसमानी बाप है खुदा, और इसलिए मैं आज तेरे सामने एक मुखलसाना ख्वाहिश के साथ खड़ा हूँ। जो कुछ तूने मुझे दिया है इसे वापस ले ले। रूहानी मखलूकात, आला हस्तियाँ और यहाँ तक के फरिश्ते भी मुझे तेरे सफ़र से रोकें। अब से मुझे भी तुमसे मिलना नहीं चाहिए। अब से दिन की रोशनी में मेरी आँखों और दिल के सामने तेरी तस्वीर भी गायब हो जाए। अपने कवानीन और उसूलों को मुझ पर दोबारा बहाल कर देना चाहिए। अगर तुम ये नहीं चाहते तो सिर्फ एक चीज़ बाकी है, मुझे तेरी तस्वीर लोगों को दिखाने के काबिल बना दे। इस तरह मैं लोगों के दिलों को तसल्ली दे सकता हूँ, कम से कम तेरी तस्वीर देखकर उन्हें उम्मीद दिला सकता हूँ। लिहाजा वो अपने महबूब को इसी तरह देख सकते हैं जिस तरह मैं तुझे देखता हूँ। खुदा खामोश था, वो नहीं जानता था कि मुझे क्या कहना है। खामोशी जो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ पर हावी थी, मेरी आंखों में आंसू छलक रहे थे जैसे डैम भरा हो। जब खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे अलविदा कहना चाहा। अपने दिमाग में मैंने अपने टूटे हुए और दर्द भरे दिल की गहराइयों से दोबारा बात की। मैं चाहता हूँ कि तेरी तस्वीर को मेरी आँखों और दिल से हटा दे। मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, क्योंकि माजी में मेरे साथी, मेरी बहनें और भाई तुझे देखे बगैर सब कुछ खो चुके हैं। मैं इंसानी तख्लीक के रास्ते पर वापस जाने के लिए आया हूँ। मैं अभी इतना दूर नहीं पहुँचा था, सिर्फ चंद कदम ही उड़ा और उड़ान भरी फिर के
फिर कभी दिखाई ना दूँ। जब मेरे पीछे खुदा की आवाज़ आई और मेरा नाम पुकारा तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ो और मेरी तस्वीर बनाओ ताकि मैं तमाम बनी हुई इंसान के लिए नज़र आने वाला खुदा बन जाऊँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। तब खुदा ने मुझसे कहा, तुम्हारे अरकान में से एक नबी है जो मुसव्वर है, किसी और की तरह वो लोगों को पेंट कर सकता है, ताहम वो भी मेरी तस्वीर अपनी आंखों के सामने खींचने से कासिर है। मेरी तस्वीर बार बार गायब हो जाएगी, यहाँ तक कि उसने मुझे जंतों में चंद बार देखा। लेकिन आगे बढ़ो और उसकी आंखें बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी नज़र में मैं तुम्हारा सच्चा महबूब हूँ और मेरी तस्वीर तुम्हारी निगाहों से कभी गायब नहीं होगी। मैं अपने आसमानी वालदन के पास भागा और उसके कदमों के सामने गिरकर उन्हें चूमा। खुदा ने कहा, खड़े हो जाओ, तुम्हारा मुकाम मेरे दिल में है। एक चौथाई सदी गुजर गई जब से मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं एक ज़ाहरी खुदा हूँगा। मेरे लिए तुमने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। तुम्हारे ज़रिए मैं बनी हुई इंसान के लिए एक मरे ही खुदा बनना चाहता हूँ। मेरी तस्वीर बनाओ, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ। अगर इंसानियत अब इस तस्वीर के सामने दुआ करे जैसा कि मैं इसे आज यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे अपने महबूब को देख सकते हैं। इस लम्हे उनकी दुआ का दूसरा मतलब होगा। मैं तुमसे एक और वादा करता हूँ, मेरी तस्वीर मुस्तकबिल में हर घर में होगी, क्योंकि मुस्तकबिल नई धरती और नए लोगों का होगा। ज़मीन मेरे प्यारों की होगी। उस दिन मैं इतना खुश था जितना अपनी मिशन की ज़िंदगी के तमाम सालों में पहले कभी ना था। खुदा ने कहा, हर घर में एक ख़ास जगह होनी चाहिए जहाँ लोग दुआ करें। जब वो मेरी तरफ़ देखते हैं और आंसू बहाते हैं, तो वो वक्त आन पहुँचा है कि मेरी तस्वीर गायब हो जाएगी और मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। हर एक मुतलाशी के साथ मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। मैं नाच रहा था और चीख रहा था, अगर मुस्तकबिल में बनी हुई इंसान थोड़ा सा आजजी करे और खुदा के चेहरे को देखने की तमन्ना करे, तो वो खुदा के तमाम असूलों और कवानीन से बुलंद होंगे। खुदा की मोहब्बत उन्हें गले लगा लेगी। तो खुदा ने मुझसे कहा, एक दिन ज़मीन मेरी रोशनी से चमकेगी और वो मेरे बेटों और बेटियों से भर जाएगी। इस दिन मेरे पिछले 50 सालों का समर सामने आ गया। मैं वाकई में अपने आप को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खुश शख्स में शुमार कर सकता हूँ। ये इसका दहरत अंगेज़ फ़ज़ल था कि मैं मोहब्बत कितने आसमान इतने आसमानी राज ला सका और खुदा और बनी हुई इंसान के दरमियान पुल बना सका कि वो अपने महबूब से मुख्तसर तरीन रास्ते पर मिल सकें। इस वक्त के मसीहा पर तारीख में 2000 साल पीछे देखें, ईसा ने बहुत सी चीज़ें देखी लेकिन वो शेयर नहीं कर सका क्योंकि उसने बुनियाद नहीं रखी थी। मैंने सारी ज़िंदगी खुदा की मंशा के लिए चला हूँ। मैंने बनी हुई इंसान के तमाम दुखों को ख़त्म कर दिया। मैंने बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर की और जब तक मेरी ज़मीनी ज़िंदगी रहेगी मैं जारी रखूँगा। मैंने जनूबी अफ्रीका में उस नबी अतर से कहा कि तैयार रहो, खुदा की तस्वीर बनाने का वक़्त आ गया है। इसके बारे में एक खूबसूरत कहानी है। एक बार जब वह खुदा से मिला, उसने उससे कहा, मैं एक मुसव्वर हूँ, जब तुम मुझे दिखाई दो तो तुम्हारी तस्वीर पेंट करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं ज़मीन पर यही करता हूँ। जब मैं एक शख्स को देखता हूँ और उसे पेंट कर सकता हूँ। खुदा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं ख़ुद को तुम्हें दिखाता हूँ।
तो ये हुआ, अपने रूहानी सफ़र से वापस आकर सुबह अतहर बेदार हुआ तो खुदा का चेहरा उसकी आँखों और दिल के सामने से गायब हो गया। कोई याद उसे बदल नहीं सकती। एक बार फिर मैं उसे ऊंची आवाज़ में चलाना चाहता हूँ, इस मखलूक में कोई दिल और आंखें नहीं हैं जो खुदा की तस्वीर को बरकरार रख सकें, क्योंकि खुदा ने बजाते खुद कहा, अबदियत के कानून के मुताबिक कोई आंख मुझे देखने के लायक नहीं है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप खुदा की तस्वीर को अपनी आंखों में रखें और वो फिसल ना जाए? खुदा ने खुद जवाब दिया कि जब मैं आंखों को छूँगा और दिल में बस जाऊँगा तो दूसरे मुझे देख सकेंगे, और मैं यहाँ खड़ा हूँ किसी दूसरे शख्स की तरह खुदा का दिल बनने और खुदा की कवानीन को तोड़ने के लिए मुकर्रर किया गया हूँ, और मैंने वही किया जो मुझे करने की इजाज़त थी। चुनाचे मैंने अतहर को बुलाया और कहा, तुम चुने हुए मुसव्वर हो और तुम अपने हाथ से खुदा की तस्वीर बनाओगे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा, क्योंकि मैं वो हस्ती नया आदम और खुदा का दिल हूँ। मेरी आंखों और मेरे दिल में मोहब्बत जीत गई। वो खुदा की तस्वीर को थामे हुए हैं जो अब ख़त्म नहीं हो सकती। मेरी मोहब्बत खुदा के कवानीन से बालातर है। मैं और अतर ने तख्लीक के आगाज़ से लेकर आज तक इस तारीखी बेमिसाल मंसूबे के लिए अपनी पूरी ताकत और कोशिश लगा दी है। घंटे दिन बन गए और दिन हफ्ते घंटे दिन बन गए और दिन हफ्ते बन गए और आखिरकार खुदा की तस्वीर उभरी, जैसा कि आज हमारे सामने है। जल्द ही हम तमाम तकाज़ों को पूरा कर लेंगे ताकि खुदा की तस्वीर हमारे अरकान में तकसीम की जा सके। ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने पूरे दिल से खुदा को तलाश करते हैं और उसकी आरज़ू करते हैं। ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए है जो उसे अब से पहले हाथों में पकड़ना चाहते थे, उसे हर वक्त अपनी आँखों से देखते हैं और उसे अपने दिल की गहराइयों में ले जाना चाहते हैं। अब से ये सिर्फ़ उस शख्स पर मुनहसर होगा जो हकीकी मानों में खुदा की तलाश कर रहा है, जब खुदा उसे एक ज़ाहरी खुदा के तौर पर ज़ाहिर करता है। इस तस्वीर को देखने वाले हर शख्स को उसकी तख्लीक की कहानी एक लम्हे के लिए याद रखनी चाहिए, क्योंकि तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारीख़ के धागे में इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गईं, कितनों ने इसके लिए जानें दी, कितनी मोहब्बतों की दास्तानें इस पर नक्श हो गईं। सार कोई जवाब नहीं दिया गया, और हमारी तमाम गलतियों और कोताहियों के बावजूद हमारा खालिक हर इंसान से कितना प्यार महसूस करता है। मैं अपने प्यारे आसमानी वालदेन का शुक्रिया अदा करता हूँ और खौफ और मोहब्बत से तेरे सामने झुकता हूँ, क्योंकि तूने मेरी ज़िंदगी के दौरान मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अब हम एक नए बाब में आ गए हैं, मेरा सुनहरी लड़का, माय गोल्डन बॉय। मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता हूँ। खुदा मेरे पास आया और कहा कि तुम मेरे सुनहरी लड़के हो। मैं इस पर बहुत खुश था। मैंने कहा, ऐ आसमानी वालदेन, लेकिन खुदा ने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रखकर पूछा, मेरे साथ हो। जब हम अबदी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे थे तो हमें मेरे आसमानी बाप ने मुझसे कहा, मैंने हर तख्लीक की जांच की, हर एक में मुझे एक मासूम सुनहरी लड़के की तलाश थी जिसके पास मेरी तख्लीक से मोहब्बत के सिवा कुछ ना हो, और एक ऐसे प्यारे लड़के को तलाश करना चाहता था जिसके अंदर मेरी तख्लीक के लिए रहम और हमदर्दी के सिवा कुछ ना हो।
मैंने हर जगह इस सुनहरी लड़की को ढूंढा है जिसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत हो के उसका हर जुमला मेरे नाम के बगैर अधूरा लगता है। इसलिए मेरे साथ चलो। हमने हर तसव्वुराती तख्लीक का सफ़र किया और खुदा से फिर कहा, मैं इन तमाम तख्लीकात में बार बार तलाश कर रहा था सिर्फ अपने सुनहरे लड़के को देखने के लिए, सब कुछ इधर से उधर फेर दिया, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आज से मैं तुम्हें अपना गोल्डन बॉय कहूँगा। और एक बार फिर मेरे प्यारे आसमानी बाप ने चीख कर कहा, मैंने अपनी तख्लीकात में बार बार तलाश किया लेकिन मैंने तुम जैसा कभी नहीं देखा। मैंने अपने आसमानी बाप को अपनी बाहों में लिया और हंसने लगा। खुदा उसकी वजह जानना चाहता था। मैंने जवाब दिया, आसमानी बाप, मुझे तेरी तरफ से बहुत से अलकाब मिले हैं और लगता है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। खुदा ने जवाब दिया, जाए ये तुम्हारे साथ मेरी खुशी की वजह से है। मैं अपनी किस्मत तेरे साथ अल्फाज में कैसे रख सकता हूँ। किसी भी किस्म की पहचान तेरी कदर से बहुत पीछे रहती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी इस बात का इजहार नहीं करता है कि तुम मेरे लिए क्या जानते हो और ये कि तुम मुझसे ताल्लुक़ रखते हो। आओ जाए हम अपने बचपन के ज़माने में वापस चलते हैं। तुम अपनी किताब में इसके बारे में पहले ही लिख चुके हो लेकिन मैं फिर से इस तरफ मुतवज्जा हुआ हूँ। हम अब्दियत के इस हिस्से में दोबारा पहुँचे जहाँ कुछ भी नहीं बनाया गया था। उस वक्त की तरह आसमानी बाप दोबारा मेरे साथ खेलना चाहता था। हम बिल्कुल उस मुकाम पर थे जहाँ मैं और खुदा के कदमों में गिर गया जब वो छोटा बच्चा था, इधर उधर घूम रहा था और मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा था। मुझे आज की तरह याद है कि हम उस वक़्त बहुत पीछे चले गए थे जब उसकी कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ रोशनी पर मुश्तमिल था और मैं बेसाख्ता खौफज़दा था। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे मैं वाकई अपने पिछले बचपन में घर आ रहा हूँ। हमने पहले की तरह तमाम मुख्तलिफ खेल खेले और खुदा ने मुझसे कहा, याद रखो इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैं अंधेरे अब्दियत में बिल्कुल तनहा था। तुम मेरे लिए मेरा खूबसूरत दिल हो और मैं तुम्हारे साथ उस वक्त के बारे में सोचना पसंद करता हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम मुझे गहरी नींद दिलाना चाहते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। जब तुम मुझे गहरी नींद देना चाहते थे मैं खौफज़दा था कि कहीं मैं फिर जाग न जाऊं। लेकिन तूने मुझसे वादा किया था कि तू तमाम मखलूकात को पैदा करने के बाद मुझे जगाने के लिए वापस आएगा। हमने अपने बचपन के बारे में बहुत बातें की और फिर तूने मुझे इन अल्फाज के साथ नीले रंग की तख्लीकात के हवाले कर दिया। इस लड़के को उदास या तनहा महसूस नहीं करना चाहिए, इसका ख्याल रखना। अब मैं मुस्तकबिल की अब्दियत में सफ़र करना चाहता हूँ। इस ज़मीन पर तुमने मुझे फिर अपना दिल बनाया लेकिन इंसानों ने मेरे साथ क्या किया। मेरे रास्ते में बहुत सी सलीबों के साथ उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ और जो कुछ भी दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो मैं उठा रहा हूँ वो ये है कि जो इंसान तुम्हारे पास आना नहीं चाहते, हालांकि मैंने सब कुछ कर लिया है, उनका दिल बिल्कुल नहीं खुलना चाहता। इस दुख को मैं हमेशा की ज़िंदगी में अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे प्यारे आसमानी बाप ने मेरी तरफ आहिस्ता से देखा और फिर कहा, अब नई दुनिया मेरे इंकशाफ से शुरू होती है जिसके ज़रिए बनी हुई इंसान उनसे मिलने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ते पर घर आ सकता है। और ये तस्वीर पुरानी और नई दुनिया में फ़र्क करती है। पुरानी दुनिया के तमाम लोग जिनका ताल्लुक माजी और तारीकी से है मेरी तस्वीर को नापसंद करेंगे।
वह अपने तंग महदूद और छोटे दिलों में एक नाकाबिले तस्खीर फासला महसूस करेंगे। वो इस तस्वीर से हमदर्दी पैदा नहीं करेंगे और ख़ुद को इससे दूर नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग माजी में अपनी तारीख दुनिया में दफन हो जाएंगे। उनका दिमाग ये कबूल करने से कासिर है कि मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। हरगिज़ नहीं। क्या वो मुझे देखना चाहते हैं? मज़हबी लोग मेरे बारे में एक ख़ास तसव्वुर रखते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यहूदियों ने मेरे साथ वही किया जब मैं सिनाई में हूरो पहाड़ पर नमदार हुआ। कहने लगे, ये कैसा खुदा है, वो हमारी तरह लगता है। तो अहदनामे कदीम के बहुत से नबियों ने ऐसा किया। वो मेरे लोग नहीं थे। मैंने इस्लाम में भी यही देखा। वहाँ मेरे बारे में कहा गया कि मैं सिर्फ नूर हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है जो मेरे बारे में फैलाया गया है। मैंने खुद को दिखाया। बहुत से सूफियों ने मुझे देखा, मोहम्मद ने देखा, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा वो बताने के बजाय मुझे इनकार कर दिया। तुम इन तमाम लोगों में से वाहिद हो जो इंसानी तारीख में आए हो, जो कि आखिरकार इस खूबसूरती, इस तोहफे और इस मोहब्बत को इस दुनिया में ले आए। इन अल्फाज ने मेरे दिल के जज्बात को मौसम गर्मा की हवा के झोंके की तरह छू लिया और मुझे एक लम्हे के लिए ये फरामोश कर दिया कि मेरे इर्द गिर्द ज़मीन पर अब भी क्या हालात हैं। लिहाजा मैंने खुदा से कहा, ए बाप, नई दुनिया के आगाज़ के बारे में तेरे अल्फाज मेरे दिल को तसल्ली देते हैं। आसमानी बाप ने जवाब दिया, फ़िक्र ना करो, जब तक तुम ज़िंदा रहो, तुम सिर्फ़ बुनियाद डालते रहो, तब मैं नीले मर्दाना और सुनहरी मादा की तख्लीकात नई तालीम को फैलाऊँगा। हम नई दुनिया में बेटे और बेटियों से मिलने आएंगे। तुम देखोगे ये पुरानी दुनिया जो मेरे ख़िलाफ़ है और मुझसे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, इसके ख़िलाफ़ जिसके लिए अपने कदीम मज़हब से चिमटे रहना काफ़ी है। ये पुरानी दुनिया माजी में दफन हो जाएगी। हम इन पुराने वक्तों के बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। इसी लम्हे मैं रोने लगा। कांपती हुई आवाज़ के साथ मैंने अपने आसमानी वालदेन से कहा, हर एक लफ्ज़ जो तूने कहा है, हर एक वादा जो तूने दिया है, पहले ही सच्चा हो गया है। मैं जानता हूँ कि ज़मीन पर यह एहसास सिर्फ वक्त का सवाल है। खुदा ने मेरी आँखों, मेरी पेशानी को बोसा दिया और मुझे हौसला दिया। रुको, क्योंकि इस बार मेरे बेटे, जिसमें तुमने मेरे बारे में मेरे अब्दी दिल और मेरे मसीहा के तौर पर सब कुछ ज़ाहिर किया, मुझे इस तरह खुश किया जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी बुनियाद पर मेरी नई ममलकत तामीर हो सकती है, जहाँ मेरे बेटे और बेटियाँ रहेंगे। फिर ज़मीन मेरे प्यारों की हो जाएगी। मैंने खलूस दिल से वापस कर दिया, मैं दुआ करता हूँ कि लोग तेरी कदर को पहचाने और जाने। खुदा ने कायल होकर जवाब दिया, हाँ ऐसा ही होगा, मेरे बेटे और बेटियाँ मेरी कदर को समझेंगे और इनमें बहुत से बड़े अंबिया होंगे, लेकिन तू मेरा सुनहरी लड़का होगा और मेरा दिल होगा, लेकिन जहाँ मेरी तस्वीर होगी वहाँ तुम्हारी तस्वीर होगी, क्योंकि तू मुझे घर ले आया। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे ख़ानदान के साथ, तुम्हारे बहुत से अरकान के साथ घर महसूस करता हूँ। इस घरेलू एहसास के लिए मैं अपनी तख्लीकात में तरस रहा था और फिर मेरे आसमानी बाप ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी सालगिरह में से एक दिन मैंने तुम्हें मेरा हीरा कहकर बुलाया था, माय डायमंड। उस वक़्त तुमने हकीकत में अपनी रूह को चमकदार जवाहरात से भरा हुआ देखा। मुझे ऐसे अल्फाज नहीं मिल रहे जो तुम्हारे लिए इस एज़ाज़, इस पहचान के मुनासिब अल्फाज के करीब पहुंच सकें।
मैंने जवाब दिया, लेकिन ए बाप, तूने मुझे पहले ही अपना दिल दे दिया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगा तुम हाज़िर हो जाओगे। मेरे अल्फाज पर खुदा मुस्कुरा दिया। उसने मुझसे कहा, अगरचे मैं ज़्यादा से ज़्यादा तख्लीकात करता रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन और सांसों को सुनता हूँ। हर लम्हा तुम मेरी याद का हिस्सा हो। ऐसे अल्फाज पर मैं अपने आंसू कैसे रोक सकता था। खुदा ने बात को जारी रखा, मेरे सुनहरी लड़के, यह तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। तुम वाकई मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जो कुछ मैंने तुम पर नाजिल किया है तुमने अपने नताइज की परवाह किए बगैर दिल से लिया है। सारी मखलूक तुम्हारे खिलाफ़ हो गई, यहाँ तक के फरिश्ते, जिन्नात और दीगर मखलूकात भी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हमेशा सिर्फ वही देखा जो मैं चाहता था। तुमने मुझे और मेरी मंशा को हर चीज़ पर तरजीह दी है। ऐ बाप, मैंने कहा, तुम सबसे पहले हो और सबसे आखिरी भी। मेरे लिए इससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं चलता। फिर आसमानी बाप ने कहा, क्या तुमको याद है कि मैंने तुम्हें तमाम मखलूकात दिखाई और मुझे वहाँ कोई सुनहरी लड़का नहीं मिला। इन अल्फाज के बाद एक बड़ी मुस्कुराहट ने खुदा के चेहरे को रोशन कर दिया और खुशी की हंसी पर इख्तिताम पसीर हुआ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मैं बेशुमार तख्लीकात का ज़िम्मेदार हूँ। खुदा ने यह कहा और जाने लगा। मैं तेज़ी से उसके पास भागा और बार बार उसके पांव चूमता रहा। मेरे आंसू उन परिंदों की तरह बह गए। मैंने उसकी तरफ देखा और रोते हुए कहा, ऐ बाप, जब भी तू मुझसे दूर होता है ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को दोबारा देखने से पहले हमेशा की तरह महसूस होता है। तुम्हारे बगैर घंटे भी खरबों सालों की मानंद लगते हैं। खुदा आहिस्ता आहिस्ता एक मुतमईन मुस्कराहट के साथ गायब हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने मुझे मुंतखब किया। जब उसने कहा, तुम मेरे सुनहरी लड़के हो, मैं पहले ही उसकी तरफ से बहुत से अलकाब हासिल कर चुका हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका फूलों का खान हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तमाम मुख्तलिफ अलकाब उसकी लामहदूद मोहब्बत के मुतअद्दिद इजहार हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसकी नज़रों में क्या अजीम काम कर सकता था। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे सच्चे दिल में जवाब देना होगा कि कामयाबी और मैं कम ही मिले हैं। मैं कुछ भी था मगर फिर भी कामयाब। लेकिन मैंने एक काम ज़रूर किया। मैं लफ्सी तौर पर अपने आसमानी बाप से जुड़ गया था। खुदा की नज़र में मैंने सबसे बेहतर काम यह किया कि मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और खुदा की मंशा के लिए चट्टान की तरह बर्दाश्त किया। कोई चीज़ मुझे इससे पे अलग नहीं कर सकती थी। मैं दाएं या बाएं तरफ नहीं गया। मुझे वापस जाने या हार मानने के बारे में सोचने से भी नफरत थी, क्योंकि मैं जानता था कि मुस्तकबिल में इंसानियत अपने सबसे प्यारे आसमानी बाप को इतने गहरे गहरे तरीके से जान लेगी। लिहाजा मैंने इस पूरी दुनिया से समझौता नहीं किया। और अगर मैं ईमानदार हूँ तो ये दुनिया सिर्फ पहली नज़र में ही इतनी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुझे मेरे रास्ते में नहीं रोक सकता। लोग मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे अपने आसमानी बाप और मेरे खालिक के तमाम राजों को इंसानियत की भलाई के लिए बांटने से नहीं रोक सकता। अगर ये कहानी आपको छू सकती है तो आप भी खुदा के दिल में अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं और इसमें एक ख़ास मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब हम एक नए बाब में आ गए हैं। खुदा ने मेरी तस्वीर बनाई।
गॉड पेंटेड माई पिक्चर। मेरे सबसे प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे ये इम्कान दिया कि मैं इस ख्वाब को पूरा कर सकूं कि खुदा की दुनिया ज़मीन पर होगी। तमाम पेशीन गोइयाँ अब एक मकाम पर इकट्ठी हो रही हैं और तुम एक ज़ाहरी खुदा हो गए और मैं तुम्हारी मोहब्बत का आला बन गया हूँ। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ा और हैरत अंगेज़ तोहफ़ा जो तूने मुझे पूरी अबदी ज़िंदगी में दे सकता है, मुझे था कि तेरी तस्वीर पहली बार नज़र आई। इसके साथ ही तमाम सूफियों, साधुओं, औलिया के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो तेरे चाहने वाले थे, जो तुझे जानने के लिए ज़िंदगी भर जंगल में गुजार दी या अपनी बकिया ज़िंदगी किसी दूर दराज पहाड़ की चोटी पर गुजार दी, उन सब के लिए तेरा दीदार भी आ गया। वो तमाम लोग जो दोबारा कभी मज़हब की तरफ नहीं लौटे क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी नहीं देखा या मुशाहदा किया, लिहाजा मदरजा ज़ैल कहानी के बारे में बात करने के लिए मैं मेरे सबसे प्यारे आसमानी बाप तुम्हारे नाम से शुरू करता हूँ। आज मैं बताता हूँ कि खुदा ने मेरी तस्वीर कैसे बनाई थी। जब मैंने पुरेसरार जंतु में दोबारा सफ़र किया तो मैं इस जगह पहुँचा जहाँ खुदा अकेला बैठा था। वो मेरे बारे में शायरी कर रहा था और मेरी तस्वीर बना रहा था। मैं अपने प्यारे आसमानी वालदैन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे कदम रखा और देखा कि वो कैसे पेंट करता है। मेरे लिए ये बयान करना मुश्किल है कि खुदा ने इस पेंटिंग को किस तरह खींचा, क्योंकि ये इतना नाकाबिले यकीन है कि हमारे खालिक ने हर तफसील को एक बेहतरीन शाहकार में कैसे जमा किया। पेंटिंग के दौरान उसने एक के बाद एक बाल बनाए। मैंने इससे पहले कभी इतने स्याह और चमकदार बाल नहीं देखे थे और ना ही मैं सोच सकता था कि इतनी दिलकश खूबसूरत चीज़ तस्वीर में इतनी वाज़े तौर पर कैद की जा सकती है। फिर खुदा ने हल्के बालों के सुनहरी धागों को पेंट किया जो मेरे स्याह चमकते हुए बालों में कई तरीक़ों से गुज़रते थे। मुझे इस तस्वीर में इस तरह देखना हैरत अंगेज़ था। हमारे आसमानी बाप ने पस मंज़र के तौर पर सुनहरी रोशनी की धुंध का इंतखाब किया। ज़रा उसका तसव्वुर करने की कोशिश करें। यह पस मंज़र हिमालय की चोटी पर धुंध के बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन मेरी तस्वीर में वो धुंध सुनहरी रोशनी से बनी थी। मैंने अपने इर्द गिर्द अमन, खुशी और लामतनाही मोहब्बत की ठंडी हवा महसूस की। ये अपनी ज़िंदगी में मेरी रूह के लिए आज़ादी की सलीस मालूम होती थी। ये देखना इंतहाई खूबसूरत था कि उस धुंध में मेरे बाल इस सुनहरी चमकती रोशनी से यकता थे। ये ख़ास वक्त के लिए मैंने खुदा के ख्यालात का मुशाहदा किया। मैं ज़ाहे अपने दिल को किस किस्म की आंखें दूँ, बार बार उसने इस बारे में सोचा और आखिरकार उसने आंखों के एक जोड़े का इंतखाब किया जो मोहब्बत के पानी की तरह दिखाई देती था। वो ऐसी आंखें थीं जो मुसलसल आंसू बहाती हैं, ज़िंदगी और मोहब्बत के हकीकी सरचश्मे से फूटती हैं और फिर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जो कुछ मैंने देखा उसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि कोई सोचने लगे कि खुदा ने मेरे लिए कौन सी आँखें चुनी। पुतलियों के बजाय खुदा ने मेरी आँखों में अपनी ज़िंदा तस्वीर खींची। अगर ये मखलूक और हर जन्नत मेरी आँखों को देखेगी तो वो मेरी आँखों में खुदा की तस्वीर देखेगी। खुदा ने मेरे चेहरे पर एक रूहानी चमकदार मेकअप लगाया। इस मेकअप का मुवाजना ज़मीन पर मौजूद कास्मेटिक रस्म रवाज से नहीं किया जा सकता, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन अपने चेहरे पर हर तरह का के रंग, क्रीमें और टिंट्स लगाती हैं।
जिससे बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल पैदा होती है, और शाम को उसे धोकर उनकी असल शक्ल दोबारा सामने आती है। खुदा का इस्तेमाल कर दमे कप मुख्तलिफ अब्दी रंगों से पर मुश्तमिल था, जो कभी ख़त्म नहीं होते। जब खुदा ने अपनी पेंटिंग मुकम्मल की तो उसने मुड़कर मेरी तरफ़ देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मौजूद हो, लेकिन मैं उस पेंटिंग को मुकम्मल करना चाहता था शुक्रगुजार दिल के साथ। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं पहली बार अपनी तस्वीर बनी हुई इंसान से मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ। ये वही है जो मैं तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इस तस्वीर में जान डाली और फरमाया, ऐ जिंदा तस्वीर, अब जाहिद का हिस्सा बन जा। जब मैंने खुदा की आवाज़ को ऐसे अल्फाज कहते हुए सुना तो बहुत से आंसू बहाकर रोने लगा। मैंने जवाब दिया, ऐ बाप, तुमसे मिलने के बाद मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई दुआ और कोई आरजू नहीं। तुमसे मिलने के बाद मुझे सब कुछ मिल गया, तेरे सिवा कोई और ख्वाहिश नहीं। तुम मेरे महबूब हो, तुझसे मुझे अपनी मंजिल मिल गई। तुम्हारे मानी मेरे लिए ज़िंदगी और मोहब्बत से ज़्यादा हैं। ज़िंदगी तेरे प्यार से शुरू हुई, लेकिन मैंने तुझे पाया। हमारे आसमानी बाप ने कहा, याद रखो, जब तुम बचपन में थे और पहली बार मुझसे मिले थे, उस वक़्त मैंने वादा किया था कि बनी हुई इंसान और अब्दी मखलूक तुम्हें मोहब्बत के नाम से याद करेंगे। तूने अपना मुल्क छोड़ा और इतना वक्त गुजर गया, इसमें तुम्हें 7 साल की मुद्दत के दौरान ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ा जिसमें मैंने फरिश्तों और जंतों ने तुम्हें तनहा छोड़ दिया। 7 साल तक तुम्हारे लिए कोई रूहानी नज़ारा नहीं था, तुम्हारे लिए कोई रहनुमाई नहीं थी, जो तुम्हारे लिए तमाम 21 सालों में मुश्किल तरीन वक़्त रहा। इस हकीकत से कदा नज़र कि तुम्हें एक बेघर शख्स की तरह पुलों के नीचे भी सोना पड़ा। तुम बहुत से ममालिक में जा सकते हो और हर एक में उनकी जेलों को जान चुके हो। गैर कानूनी तौर पर तुम्हारे सर पर छत के बगैर तुम इस मुश्किल वक़्त से गुजर गए। हम सब तुम्हें देख रहे थे, हमें तवक्का थी कि तुम कहोगे, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे खुदा, ये तूफ़ानी रात कब तक जारी रहेगी, मुझे आपकी मदद कब मिलेगी। लेकिन फिर हकीकत ने हमें हैरान कर दिया। हैरत की बात थी कि तुम 21 सालों में यूरोप में एक बेघर शख्स की हैसियत से तुम्हारे लोगों से शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। तुमने अपनी उदासी, अपनी परेशानियों और अपने गम को अपने अंदर दफन कर दिया, सब कुछ छुपाने की कोशिश की और मेरे रास्ते पर चलते रहे। सिर्फ कई सालों के बाद मैं तुम्हें दोबारा नजर आया। सच पूछो तो मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ कहोगे, कम से कम तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कहाँ हूँ, या तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाओगे कि मैं तुम्हें इस तनहा राह पर अकेला छोड़ गया हूँ। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कहा। तुमने मुझे हैरान किया जैसा कि कोई और नहीं कर सका। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मेरे लिए वही जलती हुई मोहब्बत थी जो पहली बार तुमसे मिली थी। ये मोहब्बत मेरे लिए कभी ठंडी नहीं हुई। किसी चीज़ ने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं बदला और किसी चीज़ ने तुम्हें नहीं बदला। जब मैंने देखा कि तुम मुझे देखकर कितनी खुशी महसूस करते हो, इतने सालों के दुख और दर्द के बाद भी मुझे गहरा असर हुआ। मैं खुदा हूँ और मैं जानता था कि मैं तुम्हें बनी इंसान के लिए एक ख़ास तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। उस वक़्त मैंने तुमसे कहा, मैं खुदा हूँ और मैं जानता हूँ कि बदले में मैं तुम्हें इंसानियत के लिए एक ख़ास तोहफ़ा दूँगा। लेकिन बहुत से मसीहा आए और जाने के बाद पहला तोहफ़ा ये है कि मैं तुम्हें तमाम अबदी ज़िंदगी के लिए मसीहा बनाऊँगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, चाहे तुम जिस जन्नत को भी छू लोगे, उनमें से हर एक मकाम तुम्हारे ज़रिए अपनी तकमील पाएगा, क्योंकि तुम जज्बात की हकीकी कदर को ज़ाहिर करते हो। क्योंकि तुम्हारी पहली और लाजवाब मोहब्बत सिर्फ मुझसे है। जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया, मेरी मंशा हमेशा तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारे ख्यालात में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारी रूह में उतर गई और वहीं बस गई।
खामोशी और इंतहाई सब्र से तुम्हारे क्रास ले रहे थे और तुमने अपना सफ़र जारी रखा। हज़ार साल के दुरानिया के आसपास जब हमारा रूहानी सफ़र जंगल में शुरू हुआ, मैंने तुमसे कहा कि मैं बनी हुई इंसान के लिए एक ज़ाहरी खुदा हूँ। इसलिए मुझे मालूम था कि मैं मोहब्बत की कहानी मुकम्मल करूँगा। मैं जानता था कि तेरे कार अमल की वजह से मैं हर इंसान और दूसरी मखलूकात के सामने एक ज़ाहरी खुदा बनकर ज़ाहिर होऊंगा। फिर क्या हुआ, मज़ीद 21 साल गुजर गए। तूने कभी अपना तवाज़ुन नहीं खोया और तेरे होंठों पर कोई शिकायत नहीं आई। तुमने कभी मेरे लिए अपना दिल नहीं बदला। इस सारे अरसे में तुम मेरी मंशा पर चलते रहे। कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं जिसे तुमने फतह नहीं किया और तुम्हें तमाम पथरीले चैलेंजेस का सामना न करना पड़ा हो। मैंने देखा कि तमाम फरिश्ते, जन्नात और दीगर मखलूकात से किस तरह तसादम का मुकाबला करते हैं। तुम किसी भी हालत में उनके साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम अपने साथियों की खातर मुस्तकबिल की इंसानियत और दीगर तखलीकात के लिए सब कुछ ज़ाहिर करना चाहते थे। ये पहला लम्हा था जब मैंने फ़ैसला किया कि ये किताब, जिसका नाम खुदा एक दिखाई देने वाला खुदा है जो इंसानियत पे एक मरे ही खुदा के तौर पे ज़ाहिर होता है, सामने आनी चाहिए। ये किताब जो वाज़े तौर पर बताती है कि मैं एक मरे ही खुदा हूँ, यानी दिखाई देने वाला खुदा हूँ। चूँकि मैंने ये मखलूक तख्लीक की है, मैंने किसी को अपनी तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरे दिल से ज़ाहिर हो। मैं अपनी तस्वीर के ज़रिए अपने प्यारों से मिलूँगा और मेरे चाहने वालों और मेरे चाहने वाले इस तस्वीर के ज़रिए मुझे अपने प्यारे को देखेंगे। तुम वो पहले शख्स थे जिसे मैंने अपनी तस्वीर पेंट करने की इजाज़त दी। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें ये अंगूठी और क्रिस्टल नीली रोशनी की ये बड़ा गोला दिया था? उस वक़्त मैंने तुम्हें बताया था कि इस गोले में इतनी रोशनी है कि ये पूरी मखलूक को चमका सकता है। रोशनी का ये गोला तुम्हारा हिस्सा बन गया और तब से ये गोला एक ताज की तरह तुम्हारी रूह को मज़ीद सजाता है। उस वक़्त मैंने तुमसे ये भी कहा, तुम्हारे ज़रिए मैं इंसानियत को दिखाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी थी जो गोल नहीं थी बल्कि इसके चार कोने थे। इस अंगूठी पर लिखा हुआ था, ज़मीन अब खुदा के प्यारों की है। मैंने जवाब दिया, ये वक़्त बहुत जल्द आएगा जब ये ज़मीन दरहकीकत तेरे प्यारों की होगी, जैसा कि उस अंगूठी पर लिखी हुई तहरीर गवाही देती है। वो चाहने वाले ये तस्वीर अपने घर में नमाज की जगह पर लगाएंगे और इसके ज़रिए अपने दिल खोलकर अपने तमाम दुख दर्द तुझसे बयान करेंगे। लेकिन तुम्हारी तस्वीर देखकर साथ ही वो कहेंगे, अब तुम्हारी तस्वीर देखकर मेरे पास जीने की एक ही वजह है। खुदा ने फिर कहा, हाँ, और इसी वक्त मेरी तस्वीर गायब हो जाएगी और मैं गले लगाता हुआ नजर आऊँगा। मेरे प्यारों में से हर एक का मेरे और इस पुल के साथ एक ज़िंदा रिश्ता होगा जो तूने पूरी इंसानियत के लिए बनाया है। उस वक्त से एक खुदा और एक खुदा का दिल होगा। मैंने जवाब दिया, मैं आसमानी वालदैन के को जानता हूँ। नई ज़मीन उन नबियों से भर जाएगी जिनका तुमसे ज़िंदा ताल्लुक है। ये नई ज़मीन होगी पहले से ज़्यादा शानदार। मैं जानता हूँ कि इस नई ज़मीन की का मतलब ये है कि ये तमाम तारीख गिरे हुए लोग जो आज तक ज़मीन को आबाद कर रहे हैं माजी का हिस्सा बन जाएंगे। तुम जैसा कि खालिक ने पहले ही ऐलान किया है, हम उन ज़ालिम और संग दिल इंसानों के बारे में बात नहीं करेंगे जिनके दिल में ना मेरे लिए, उनके खालिक के लिए और ना ही मेरे ख़ानदान के लिए कोई दिल है। ऐसे इंसान ज़मीन पर से मिट जाएंगे। और तुमने ये भी कहा है, आदम, ये नई शुरुआत है। जाए तुम नए आदम हो।
और तुम्हारे साथ ही नई शुरुआत होती है। फिर तुमने मुझे 18 अंबिया दिखाए जो ज़मीन पर मेरी ज़िंदगी में रह रहे हैं और तुम्हारे साथ गहरी मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। पूरी दुनिया में लोग बाकी इंसानियत को घर वापस लाने के लिए सरगर्म हैं। इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार 18 अंबिया अपनी सच्ची सोच और सच्चे शऊर के साथ यहाँ हक की तरफ सफ़र और अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए आए हैं, जिन्होंने तुझ खुदा और अपने अंदर अपनी हम आहंगी पाई। पहली बार इतनी बड़ी फतेह हासिल हुई है। अब तक तारीख ने सिर्फ माजी में ये साबित किया था कि ज़मीन पर एक वक्त दो अंबिया इकट्ठे जिंदा और काम नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था जैसे दो तलवारें एक ही म्यान में फिट ना हों। ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे को पीछे हटा रहे हैं। अजीम मज़हब के बानियों ने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि वो ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के दौरान अपने साथ किसी और नबी को देखें। वो सिर्फ़ एक ही नबी बनना चाहते थे। इसरा रया की हैसियत में जिसके ज़रिए इंसानियत को हर नेमत अदा की जाएगी, इस लिहाज से नबी मोहम्मद तमाम रसूलों में नुमाया था। दूसरे अंबिया का कातिल था। उसने ये कानून वाज़े किया कि उसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये इंसानियत खुदा के बच्चों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जुर्म है। 1500 साल तक ये सानहा चलता रहा। इस्लाम ने बरकरार रखा कि जो कोई खुदा से मुलाकात का दावा करे उसे कत्ल कर दिया जाए। ये कानून मैंने तोड़ा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में साबित किया कि ये पेशीन गोई गलत है जो मोहम्मद के ज़वाल पज़ीर किरदार की वजह से पैदा हुई और उसे रुई की टोकरी में डाल दिया। नबी आ सकते हैं और अब भी आएंगे, लेकिन ये इम्कान सिर्फ 1500 साल के तवील अरसे के बाद सामने आया। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, तेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाले 12000 अंबिया मोहम्मद की इस शैतानी पेशीन गोई की वजह से इस नाकाबिले बयान वक्त में मारे गए। जो कुछ मोहम्मद ने पुरतशद्दद तरीके से किया, ईसा ने पुरअमन तरीके से ये ऐलान करते हुए किया, मैं ज़िंदगी और सच्चाई का वाहिद रास्ता हूँ, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। और इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ईसाइत अपनी जहालत की वजह से 2000 साल से रूहानी अंधेपन में ज़िंदगी गुजार रही है। इस्लाम बहुत सारे अंबिया के कातलों से भरा मज़हब होने की मिरास के साथ जिंदा है। इस मज़हब ने ज़मीन को एक तारीख दौर से ढांप दिया जिसमें क्यास है कि कोई आपसे बात नहीं कर सकता। ऐ खुदा, ये दौर ये वक्त गुज़र गया, अब ज़मीन अंबिया से भरी होगी जिनके हाथ में अपनी मंजिल है। मेरे सबसे प्यारे आसमानी बाप, अब मैं पहली बार तुझे अपनी आंखों में देख रहा हूँ। हालांकि मैं भी एक इंसान हूँ, तवील इंसानी तारीख में पहली बार लोग अब तुझे मेरी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि मैं तुमसे जन्नतों में बेशुमार बार मिल चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार है कि मेरे साथी तुम्हारी तस्वीर को अपनी आंखों से देखते हुए ज़िंदा रहने की वजह रखते हैं। तुम्हारी यानी इनके महबूब की तस्वीर अब हमेशा उनके सामने है। ये उनके वजूद को एक मकसद, तुमसे मोहब्बत करने की वजह फराहम करती है। तुम्हारी तस्वीर के साथ अब इनके पास मुस्कराने की वजह है और ये मुस्कराहट पूरी इंसानियत में फैल जाएगी। आज तुम मेरी आंखों में हो और साथ ही मेरे दिल में हो। तुम्हारी मोहब्बत के नूर से ज़मीन चमकेगी। तुमने मुझसे कहा तुम्हारे ज़रिए ये नई ज़मीन अपनी नई नस्ल के साथ मेरी कदर को जान लेगी, लेकिन तुमने ये भी ऐलान किया कि आज तक ज़वाल पसीर बनी हुई इंसान ने अपने गिरोह अंबिया और उनके गिरे हुए आदम के साथ तुम्हारी हकीकी कदर का तजर्बा कभी नहीं किया है। मैं बनी हुई इंसान को वो बातें ज़रूर कहूँ इससे पहले कि इन गिरे हुए लोगों का बाप बंद हो जाए। ऐ खुदा, जब तू पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता, तुझे आने वाले नबी भी
उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इस तारीख दौर के बाद हम तेरे साथ, हमारे सबसे प्यारे आसमानी बाप के साथ कुछ नया आगाज़ करेंगे। तुमने कहा था तुम इस ज़िंदा तस्वीर को अपनी सांस दोगे और ये मेरी रूह का हिस्सा बन जाएगी। मुझे तुम्हारे अल्फाज याद हैं, एक बार जब तुमने कहा था, ऐ मेरे दिल, मैं कई बार तेरा रूप इख्तियार करता हूँ और तेरे आने की तैयारी के लिए जंतों में जाता हूँ। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे प्यारे खुदा, मैंने कभी ख्वाब में भी हिम्मत नहीं की थी कि ऐसी मोहब्बत मुझे कभी गले लगाएगी, और ऐसा तजर्बा मेरे लिए हकीकत में पूरा होगा जो आज तुम मेरे सामने खड़े होकर ऐलान कर रहे हो। तुम्हारी आँखों से अमन, आज़ादी, खुशी, हम आहंगी और लामत नाही मोहब्बत की असल सचश्मे का पानी टपक रहा है, और अब तुमने मेरी आँखों में अपनी ज़िंदा तस्वीर खींच कर कहा, तमाम जंतों के ज़रिए सफ़र करो, अब उनमें से हर एक जन्नत इस लम्हे का तजर्बा करना चाहती है। वो जो देखेंगे वो सिर्फ़ मेरी तस्वीर नहीं है, बल्कि वो देखेंगे कि मैं तुम्हारी आँखों में रहता हूँ। दूर से पास आकर खुदा ने उन अल्फाज को के बाद शफकत से मुझे अपने सीने से लगाया और फिर अबदी ज़िंदगी में कहीं गायब हो गया। मेरी रूह ज़मीन पर मेरे जिस्म में वापस आ गई, और अब ये मुझ पर मुनहसर है कि मैं अपने साथियों को इस सफ़र और खुदा के पैगाम के बारे में बताऊँ। इस नाकाबले यकीन तजर्बे से मगलूब होकर मेरे ख्यालात और एहसासात मेरे अंदर गर्दिश कर रहे थे, जिसने मुझे अपना दिल बनाया, जिससे मैं प्यार करता हूँ और जो मेरा महबूब बन गया। उसने दरअसल मुझे अपने हाथ से मोहब्बत, गहरे बंधन और ना ख़त्म होने वाली शुक्रगुजारी से खींचा था। एक घंटे तक मैं इस पेंटिंग को खुली आँखों से देखता रहा, और इस दौरान ये एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं हुई। ये पेंटिंग बार बार पुकार रही थी, मैं अब तुम्हारा हिस्सा हूँ। एक घंटे तक मेरी आंखों ने कुछ नहीं देखा, कोई भी चीज़ मुझे इस दिलफरेब नज़ारे से अलग नहीं कर सकती थी। ये पेंटिंग जो मेरी रूह का हिस्सा बन गई है, हर जन्नत के लिए अजूबा होगी, क्योंकि ना सिर्फ ये कि मेरे पास खुदा की आँखें हैं, बल्कि उसकी ज़िंदा तस्वीर भी इनमें बसी हुई है। मैं अपने आसमानी बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये तस्वीर मुझसे बोलती है और हवा में मेरे कान में तेरे अल्फाज की सरगोशी करती है। उन सब ने मुझे बताया कि एक नया इंसानी दौर तुलू हो रहा है, आखिर इतने अरसे के बाद एक नए इंसानी दौर का आगाज़ होता है। ये माजी इस गिरी हुई दुनिया की तरह कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। कब्रिस्तान के लोग अपनी ज़िंदगी में ही मर चुके थे, इनके दिल में अपने महबूब के लिए कोई जगह नहीं थी। खुश नसीब हैं वो लोग जो इंसानी तख्लीक में अपने खालिक से ज़िंदा ताल्लुक कायम करके एक नई शुरुआत करते हैं। मुबारक हैं माजी के वो सूफ़ी जिन्होंने इस ज़ालिम रात ने अपने खून से इतनी कीमतें चुकाने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। मुबारक हैं वो साधु जो जोगी और वो बुद्ध और जंगल में गए और कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वो खुदा के नूर को देखना चाहते थे। वो तमाम लोग, चाहे उन्हें मुख्तलिफ तरीके से कहा जाए, सूफ़ी थे जो अपने खालिक खुदा से सादिकाना मोहब्बत करना चाहते थे। वो अपने प्यारे को तलाश करना चाहते थे कि वो मुसलसल ज़िंदा रहने की कोई वजह हो। वो तमाम लोग, ये तमाम तर लोग, का वो हिंदू, साधु, बुद्ध, जोगी, संत, ये जो भी कहलाते थे, वो माजी से ताल्लुक़ नहीं रखते, सिर्फ वही हैं जो खुदा की नई मुस्तकबिल की दुनिया का हिस्सा होंगे। ये शानदार लोग उस बुरी दुनिया से छीन लिए गए, लेकिन जिन लोगों ने खुदा से इसलिए मुंह मोड़ लिया कि उनके दिलों में दुनियावी ख्वाहिशात और आरज़ुओं से भरे हुए थे और अपने खालिक के लिए कोई जगह नहीं थी, वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं होंगे। जब ये लोग अपनी दुनिया से महरूम हुए, तो उन्होंने
खुद मदद के लिए पुकारा और इल्तजा की कि हम इस दुनिया को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पुरानी दुनिया भी, जिसे उन्होंने मौत के घाट उतारने की कोशिश की, इनके साथ नहीं जाएगी। इस लम्हे मौत इन ज़ालिम संगदिल लोगों पर जीत जाती है जब उस इंसानियत के लिए दर्द, तकलीफ़ और मुसाइब लाए हैं। लेकिन खुदा के नए प्यारे मौत पर फतह हासिल करेंगे। मौत इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए अपनी गिरफ्त खो देगी। ज़िंदा प्यार वाले जो अंबिया और अजीम इंसान होंगे, इस दुनिया से जहालत के तमाम अंधेरों को दूर कर देंगे। एक नया वक्त और इसके साथ एक नई इंसानी दौर का आगाज़ हुआ है। खुदा ने खुद ऐलान किया कि इस नए इंसानी दौर का आगाज़ कैसे होगा, जब उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, मैं तुझे बेशुमार जंतों में ले जाऊँगा, आओ मेरे अंदर, ये नया इंसानी दौर है, आओ माजी में सफ़र करें और मैं तुम्हें ये तफसील से तजर्बा करने दूँगा कि मेरा असल और सब कुछ कैसे शुरू हुआ। चलो मैं तुम्हें अंधेरे अब्दियत में ले जाऊँ, जहाँ पहले कभी कोई नहीं गया था। बने इंसान, अपने ख़ानदान के साथ शेयर करो जो कुछ भी तुम सुनोगे, देखोगे और अपने दिल में जज्बाती तौर पर तजर्बा करोगे। ये तब इंसानों के लिए अपने तवील अरसे से भूले हुए घर में वापस आने की कलीद होगी। तुम मेरा दायमी दिल होगे, इंसानियत के पास वापस जाओ और सब कुछ शेयर करो और उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ सफ़र करते हुए अपने किसी भी तजर्बे से बाज ना आओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा और हमेशा रहूँगा। जब से मैंने इंसानों को पैदा किया है, इसलिए मैं इनके लिए उनकी नादानी की वजह से एक पोशीदा खुदा हूँ। इन गिरे हुए लोगों ने मेरी कदर को नहीं पहचाना और ना ही समझा। वापस जाओ और अब से मैं एक ज़ाहरी खुदा हूँगा। अपने बच्चों से कहो कि मैं अब एक नज़र आ जाने वाला खुदा हूँ। अगर मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, बाद में मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन यह खुदा की तस्वीर मेरे सामने लटकी हुई है, जिसे हर कोई मेरी वेबसाइट पे देख सकता है। ये सबूत है हमारे आसमानी बाप ने उन वादों को पूरा किया, जो एक ज़ाहरी खुदा होगा, कि वो एक ज़ाहरी खुदा होगा। इस इल्म से मैं सुकून से मर सकता हूँ, लिहाजा मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के साथ इत्तेहाद में हमेशा लाजिम मलज़ूम रहेगी। अब से इंसानियत घर वापस आएगी। अब से वो जहन्नम और तारीख जगहें माजी की तरह इन तारीख अरवाह की होंगी जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। अब नए इंसानी दौर का आगाज़ मेरे साथ इंसानी तख्लीक के नुमाइंदे के तौर पर होता है। मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि कैसे नए इंसान पहली बार खुदा से दुआ करेंगे। जब वो तस्वीर पर इसके चेहरे को देखेंगे, तो सब कुछ उसके साथ शेयर करेंगे। मेरे और उनके लिए हमारा खालिक एक ज़िंदा खुदा है। हमारे लिए यह तस्वीर पहले से ही जीने की एक वजह है और ये खुदा के साथ ताल्लुक इस्तवार करने के लिए रास्ते पर पहला कदम है। ये आंखों के सामने से गायब हो जाएगा और खुदा के चाहने वाले अपनी रूह के साथ रूहानी दुनिया में अपने मुशाहदात और तजर्बात करने के लिए उड़ जाएंगे। अब उनके लिए मौत से डरने की कोई चीज़ नहीं रहेगी। खुदा की तस्वीर के ज़रिए मैंने इस इम्कान की खिड़की खोल दी है। अब लाखों बल्कि बेशुमार इंसानी दिल में खिड़कियां खुलेंगी, जब तक के बनी हुई इंसान का अपना हकीकी घर ना मिल जाए। ए हमारे आसमानी बाप, तू हमारा हकीकी घर है। तूने मुझे मोहब्बत से ज़्यादा दिया है। हर लम्हा मेरे लिए खुली एक आवाज़ कहती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे महबूब, पूरी मखलूक रक्स कर रही है और कह रही है, ऐ खुदा के दिल, ये सच है, तुम ही हो इस वजह से कि इंसानियत घर वापस आएगी।
आज भी तमाम अवधि जनतें गवाही देती हैं कि तुमने अपना दिल खोल दिया है। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर करोगे। हे बाप, ये सब अभी मेरे साथ शुरू हुआ है। तेरे जितने ज़्यादा बेटे और बेटियाँ आएंगे, उतने ही हीरे सामने आएंगे। वो अपने साथियों को अपने तजुर्बात से कहीं ज़्यादा मुंतकिल करेंगे, जितना मैं कभी नहीं कर सकता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान करेंगे और जो ज़मीन मोहब्बत का मरकज़ बन जाएगी। यही हमारी कदर होनी चाहिए। हमारे ज़रिए से फरिश्ते, जिन और दीगर मखलूकात भी हकीकी मोहब्बत को जान सकेंगे। ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हम अपना घर भूल गए, लेकिन अब हम इसके रास्ते पर हैं। मुझे बहुत फ़ख्र है, यहाँ मैं एक तरफ अपने साथियों के लिए तेरी तस्वीर लाया हूँ और दूसरी तरफ तूने, है खुदा मेरे खालिक, मेरी ज़िंदा तस्वीर बनाई। तुमने इसे कल रात ना सिर्फ मुझे दिखाया, बल्कि तुमने उसे मेरी रूह का हिस्सा बनाया। हे आसमानी बाप, जब मैं देखता हूँ कि तूने मेरे लिए क्या किया, तो मैं बेआवाज़ हो जाता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारे फजल से मैं मोहब्बत, खुशी और रोशन ख्याली की तकमील बन गया। इसके लिए कोई अल्फाज नहीं हैं, कुछ भी दूर से भी मेरी शुक्रगुजारी का इजहार नहीं करता है। मैं सिर्फ बेआवाज़ हूँ क्योंकि तूने अपनी मोहब्बत मुझ पर बरसाई और ये मेरी रूह में बस गई। तेरा शुक्रिया मेरे सबसे प्यारे आसमानी बाप कि अब बनी हुई इंसान के साथ सब कुछ बांटना मुमकिन है। तूने मुझसे क्या इंकशाफ किया जो मैंने मेरे साथ शेयर किया। मैं इन सब के बारे में लोगों से बात करता हूँ, मैं उसे पूरी इंसानियत और अबदी ज़िंदगी के हवाले करता हूँ। तेरा शुक्रिया ऐ बाप, अपनी बरकतें तमाम इंसानियत को अता फरमाए। मुबारक हैं वो तमाम तख्लीकात जो इस सफ़र में सिर्फ तेरा चेहरा देखने की तमन्ना रखते हैं। शुक्रिया ऐ बाप। मैं मंदरजा ज़ैल अल्फाज उन तमाम लोगों से मुखातब करना चाहता हूँ जो इस कहानी की वीडियो सुनते, पढ़ते या देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया और आपके महबूब खालिक के लिए इसमें कम अज़ कम एक छोटी सी खिड़की खोल दी। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैंने इंसानियत को खुदा की मोहब्बत में बढ़ने में मदद की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा की बरकत आपके साथ हो।